कैसे हैं दोस्तों, क्या आपको बताया कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में सैटर्न, जुपिटर और हमारा मून आसमान में एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं और इसे देखने का सुख सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस लवर ही जानता है। अगर आप लास्ट मंथ हुए सुपर मून को देखना भूल गए हैं तो टेंशन नॉट, क्योंकि इस महीने भी हमें एक और सुपर मून देखने को मिलने वाला है। स्वागत है आपका इस सीरीज की एक और वीडियो में, और आज इस वीडियो में हम जानेंगे अप्रैल 2021 में होने वाले टॉप एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में, जिसे आप रात के आसमान में आराम से अपनी नंगी आंखों से देख सकते हो, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप के मदद के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सात अप्रैल ट्रिपल कंजंक्शन ऑफ जुपिटर, सैटर्न एंड मून। 6 अप्रैल को सैटर्न हमारे मून के नजदीक आ जाएगा और उसे कंजक्ट कर लेगा, और 7 अप्रैल को बड़े मियां जुपिटर भी वहीं आ जाएंगे, और ये तीनों एक साथ एक दूसरे को कंजक्ट करके आसमान में ट्रायंगल ही बना देंगे, जिसे आप आराम से रात के आसमान में अपनी नंगी आंखों से देख सकते हो। इसे देखने के लिए बस आपको रात के आसमान में मून को देखना है, और उसके नजदीक आपको ट्रायंगल बनाता हुआ जुपिटर और सैटर्न भी वहीं देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके पास टेलीस्कोप है तब तो सोने पे सुहागा समझो। 17 अप्रैल कंजंक्शन एंड ऑसिलेशन ऑफ मून एंड मार्स। मार्स अभी हमारे मून के आसपास ही घूम रहा है, इसीलिए कुछ महीनों से हमें इनके कंजंक्शंस लगातार देखने को मिल रहे हैं, और आने वाले महीनों में भी हमें इनके कंजंक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। वेल, सिर्फ मार्स नहीं, हमारे सोलर सिस्टम के ज्यादातर प्लैनेट अभी हमारे मून के आसपास ही घूम रहे हैं। ये सब को चांद से इतना प्यार क्यों हो गया? अरे बाबा, अब तो लगता है कि कहीं चांद ऊपर वाले को ही प्यारा ना हो जाए। वेल, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारा चांद ऊपर वाले को प्यारा हो गया, मतलब किसी रीजन से एक्सप्लोड कर गया, तो हमारी धरती बिना चांद के कैसे काम करेगी? मैं जल्दी इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि हमारी व्हाट इफ सीरीज की थर्ड वीडियो होगी, जिसे जानने के लिए आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बगल के घंटे को भी दबा देना है, जिससे तुम्हारा घंटा कुछ खर्च होगा। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मार्स अभी हमारे मून के आसपास ही घूम रहा है, और इसीलिए हमें इनके कंजंक्शंस पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रहे हैं और आने वाले महीनों में भी देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि इस बार हमें सिर्फ इनका कंजंक्शन नहीं, इनका ऑसिलेशन भी देखने को मिलने वाला है। ऑसिलेशन का मतलब कि मार्स हमारे मून के पीछे जाके छुप जाएगा, जिसके कारण इस बार हम इनके कंजंक्शन को नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिर नॉट, क्योंकि आने वाले महीनों में हमें इनके बहुत से कंजंक्शन देखने को मिलने वाले हैं। 22 अप्रैल लाइरेंस मीटियोर शावर। लाइरेंस जो कि अप्रैल महीने का मीटियोर शावर है, 16 तारीख से 25 तारीख तक एक्टिव रहेगा, और 22 तारीख को ये अपने पीक पे होगा। इसके पीक हाउस में हमें 18 मीटियोर्स प्रति घंटे देखने को मिल सकते हैं, मतलब अगर आप आसमान में 10 से 15 मिनट ही देखोगे तो भी आपको उस दौरान 2 से 3 मीटियोर तो देखने को मिल ही जाएगा। अगर आप नहीं जानते मीटियोर शावर क्या होता है, तो आई बटन पे क्लिक करके सीरीज की पहली या दूसरी किसी भी वीडियो को देख लेना, क्योंकि दोनों में मैंने मीटियोर शावर के बारे में बताया ही है। बैक ऑन द टॉपिक, लाइरेंस का रेडियंट लायरा कॉन्स्टेलेशन में स्थित है, और इसमें हमको जो मीटियोर्स देखने को मिलेंगे वो 48 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेंगे, और इसके जेनिथियल आवर्ली रेट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, 18 मीटियोर्स प्रति घंटे। अब रही बात इसे देखने की, तो उस दिन इसे देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उस दिन यानी 22 तारीख को मून 73% विजिबल होगा, और उसकी रोशनी में हम इसे साफ साफ नहीं देख पाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 16, 17, 18 या 19 किसी भी डेट को इसे स्पॉट करने की कोशिश करना, क्योंकि उस दिन मून कम विजिबल होगा, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि किसी भी मीटियोर शावर को देखने के लिए अंधेरा होना बहुत जरूरी है, तो आप इसे उस दिन रात के 8-9 बजे देखने की कोशिश करना। भले ही आपको उस दिन ज्यादा मीटियोर्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उस दिन आपको आसानी से मीटियोर्स देखने को मिल जाएंगे। 27 अप्रैल सुपर मून।
27 अप्रैल को हमें इस साल का दूसरा सुपरमून देखने को मिलने वाला है। अभी लास्ट मंथ 28 तारीख को हमें साल का पहला सुपरमून देखने को मिला था। और इस सीरीज की मार्च की वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि इस साल हमें 4-4 सुपरमून देखने को मिलने वाले हैं, वो भी लगातार 4 महीनों में। जब एक न्यू मून या फुल मून पेरिज पे होता है, मतलब अपने ऑर्बिट से अर्थ से क्लोजेस्ट पॉइंट पे होता है, तब उसे सुपर मून कहते हैं। और इसी का उल्टा, जब एक न्यू मून या फुल मून एपोज पे होता है, यानी अपने ऑर्बिट से धरती से सबसे दूर, तब उसे माइक्रो मून कहते हैं। एक सुपर मून एक एवरेज साइज के मून से 14% ज्यादा बड़ा होता है और 30% ज्यादा चमकीला होता है। देखने में एक सुपर मून बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो 27 अप्रैल को चांद को देखना मत भूलना। मून फेजेस, आइए अब देखते हैं इस महीने के मून फेजेस। 14 तारीख को मून अपोज पे होगा, मतलब अपने ऑर्बिट से धरती से सबसे दूर, और 27 तारीख को मून पेरिज पे होगा, मतलब अपने ऑर्बिट से धरती से सबसे नजदीक। 12 तारीख को हमें न्यू मून देखने को मिलेगा और 26 और 27 अप्रैल को हमें फुल मून देखने को मिलेगा और 27 तारीख को सुपर मून होगा, ये तो मैंने आपको जस्ट बताया ही। बाकी किस दिन मून कितना विजिबल होगा वो आप इस चार्ट में देख ही सकते हो। So that's all for today video. Video अच्छा लगा तो like जरूर करना, channel अच्छा लगा तो subscribe button को जोर से दबा देना, साथ ही साथ bell icon को भी press करना नहीं भूलना, ताकि आपको ऐसे ही informative videos के updates मिलते रहे। और जल्द से जल्द share कर दो इस video को, as you know कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। And you can also follow my Facebook page and follow me on Twitter to stay connected with me. Link आपको description में मिल ही जाएगा। So that's all. #BeCurious